ये हमारा डाटा प्रोसेसर है। इसमें हम पहले जो भी हमारे फंक्शंस हैं ये हमारे मेन्यू के अंदर डाल दिए हैं। इसमें अगर आपको कलेक्शन करना है तो आपको मेन्यू में नहीं जाना है। अगर ऑटोमेटिक और मैनुअल सेलेक्ट करना है तो मेन्यू के अंदर जाना है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक और मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मैनुअल कलेक्शन करना है तो आप बाहर आ जाइए टाइम पे, और एंटर का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप कलेक्शन पे चले जाएंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें मेंबर कोड क्रिएट कैसे करने हैं। आपको मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको क्रिएट मेंबर में जाना है और आपको क्रिएट ऑल मेंबर्स कर देने हैं। फाइव यस, बैकस्पेस से यस का काम करेगा। यस करेंगे तो ये 500 मेंबर्स आपके जनरेट कर देगा। अब अगर हमारे को किसी का नाम देना है, एडिट में जाएंगे हम, मेंबर कोड डालेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं। सपोज करो ये बी, मैं नाम दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, एंटर। यहाँ पे अगर आप केजी फैट, केजी एसएनएफ, अगर किसी कस्टमर को अलग अलग रेट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, एंटर कर दीजिए। अब आप बाहर आ जाइए। कस्टमर का अगर मॉडिफिकेशन अगर आपके सारे हो चुके हैं तो आप बाहर आ जाइए। फिर आपको रेट चार्ट में जाना है। रेट चार्ट में जाने के लिए आप एंटर करेंगे। यहाँ पे वन नंबर रेट चार्ट है केजी फैट, केजी एसएनएफ के लिए। काओ और बफ के लिए आप अलग अलग दे सकते हो, और दूसरे भी रेट चार्ट हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सिर्फ केजी फैट, केजी एसएनएफ का बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सपोज कीजिए 300 केजी फैट डाल देते हैं, 100 केजी एसएनएफ डाल देते हैं। ऐसे ही बफेलो के लिए मैं 400 केजी फैट डाल देता हूँ और 100 हमारा केजी एसएनएफ हो गया। और यहाँ पे फिर फोर नंबर में जाके इसकी सेटिंग्स हैं। वन नंबर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फैट एसएनएफ फॉर्मूला। सेकेंड नंबर पे ऐसे ही सेम हम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, फैट एसएनएफ फॉर्मूला। थ्री में हम इसकी मिनिमम मैक्सिमम, मतलब 200, सपोज कि दो दो से नीचे मेरे को दूध नहीं लेना है तो उसका रेट नहीं आएगा। फिर मैं 500 तक इसको मेंशन कर देता हूँ, काओ का ही रेट लेगा। 600 तक, फिर 12 12, कुछ भी आप डाल दीजिए, मैक्सिमम एसएनएफ जितना आप लेना चाहते हैं दूध। फोर में जाएंगे तो 5-1 से हम बफेलो का स्टार्ट करेंगे और 12 तक हम ले लेते हैं अभी। यहाँ पे 600 और यहाँ पे 1200, एंटर। अब हम कलेक्शन में जाके और हमारा रेट आ जाएगा, हम कलेक्शन कर सकते हैं इतना करने के बाद। अब यहाँ पे ये वेट कर रहा है। अब आपको इस मशीन के साथ एनालाइजर कनेक्ट करना है इस पोर्ट पे। ये वाला पोर्ट एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए है, अगर आपको बड़ा डिस्प्ले लगाना है। ये वाला पोर्ट पेन ड्राइव के लिए है। ये वाला पोर्ट वेइंग स्केल के लिए है। वेइंग स्केल का प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये वाला पोर्ट 12 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए है। और यहाँ पे आप अपनी जो भी एनालाइजर है उसका डाटा भी दे सकते हैं। इसके एक नंबर पे 12 वोल्ट पॉजिटिव, एक नंबर पे आपका 12 एक नंबर पे आपका ग्राउंड है, दो नंबर पे पॉजिटिव है, तीन नंबर पे आपका लैक्टोस्कैन एनालाइजर, कोई भी एनालाइजर, उसका डाटा आप यहां से भी दे सकते हो। बाकी आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। दो ऑप्शन है यहां पे आपको, ठीक है। अब ये वेट कर रहा है आपका बाहर से डाटा आने का। सपोज कीजिए बाहर से डाटा नहीं आ रहा है तो आप मैनुअल कलेक्शन में भी जा सकते हैं। और सपोज कीजिए इसमें अगर विंग स्केल का डाटा जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कर्जर आ जाएगा, और यहाँ पे जो फैट एसएनएफ हम डालेंगे तो जो हमने रेट वहां पे दिया था फैट एसएनएफ फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, वही रेट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप लीटर भी दे सकते हो उसमें, और ये आपका स्लिप बाहर आ जाएगा और ये ऑटो टेयर हो जाएगा। आपका प्लेटफॉर्म कनेक्ट करेंगे तब आपका वेट आएगा, ठीक है। और अगर आपको कैलिब्रेशन करना है, सपोज कीजिए कैलिब्रेशन करना है, तो एम प्लस एम आर वेट प्लेटफॉर्म लगाने के बाद आपको एम प्लस एम आर का बटन प्रेस करना है ऐसे, तो आपका एंटर आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जब भी यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे जो भी वेट आ रहा है ये आपका प्लस में होना चाहिए, यहाँ पे माइनस शो नहीं करना चाहिए। प्लस में चाहे आपका 0.01 ही है तभी आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ये एरर 0 शो करेगा अगर आपका लोड सेल नहीं लगा है या माइनस यहाँ पे आ रहा है या वेट नेगेटिव में है तो आपका एरर 0 शो करेगा, अदरवाइज आपको ऐसे ही कैलिब्रेशन करनी है, ठीक है। 5 kg आप उस पर रखेंगे प्लेटफॉर्म पे, और फिर आपको यहाँ पे 500 लिखना होता है,
वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और टेयर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो मेन्यू में हम जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, एंटर करेंगे, परचेज रजिस्टर हम निकाल सकते हैं यहाँ से, जो जैसे हमने जो करंट डेट होगी वो ये उठा लेगा ऑटोमेटिकली। बाकी आप अगर चेंज करना चाहते हैं, बैक डेट का निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, काउ बफ अलग अलग निकालना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका परचेज रजिस्टर, जो आपने एक शिफ्ट की रिपोर्ट होगी वो आपकी आ जाएगी। ऐसे ही प्रोड्यूसर लेजर है, पेमेंट रजिस्टर है वगैरह वगैरह, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब बात आ गई कि पेन ड्राइव से रेट चार्ट आपको कैसे लेना है। अब मैंने पेन ड्राइव का रेट चार्ट इस पेन ड्राइव में डाल रखा है पहले से ही, ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी मैंने बना चुका हूँ इस चीज़ को लेके, आप वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी जैसे मैंने पेन ड्राइव लगा दिया है तो मैं इम्पोर्ट में जाऊँगा, इम्पोर्ट में जाने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन खुलेंगे। अगर मेरे को काओ का रेट चार्ट कॉपी करना है तो मैं वन नंबर प्रेस करूँगा, सॉरी इस डीपीयू के अंदर, इस पेन ड्राइव के अंदर रेट चार्ट नहीं पड़ा है तो इसलिए इसने कुछ भी शो नहीं किया है। अभी मैंने फाइल में कॉपी कर ली है अपनी फाइल्स पेन ड्राइव में। अब मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ, मेन्यू में जाता हूँ, मेन्यू में जाने के बाद मैं इम्पोर्ट में जाता हूँ, एंटर करता हूँ, वन प्रेस करता हूँ तो मेरा काओ का रेट चार्ट कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये कॉपी हो रहा है, अभी देखिए आप स्टार्ट हो गया है, ये यहाँ पे आके रुक गया है, इट मीन्स आप बाहर आ जाइए, ये कॉपी हो चुका है, इसको रिस्टार्ट करना है आपको। अब डीपीयू रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट होने के बाद अब जब पेन ड्राइव दोबारा से लगाएंगे तो दोबारा से आपको इम्पोर्ट में जाना है, इम्पोर्ट में जाने के बाद टू नंबर प्रेस करना है। अब ये बफेलो का रेट चार्ट आपका कॉपी हो रहा है, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। ये कॉपी हो चुकी है, अब आपको क्या करना है कि रेट चार्ट में जाना है, मेन्यू में जाना है, रेट चार्ट में जाना है। रेट चार्ट में सपोज कीजिए आप गए हो तो आपको चार नंबर में जाना है, रेट चार्ट सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको देखना है एक नंबर में आपका ऑलरेडी पेनड्राइव रेट चार्ट सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऐसे ही फोर नंबर में आप जब मिनिमम मैक्सिमम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, वो वहां से उठा लेगा। ऐसे ही अगर आप बाहर आते हैं फिर से चार नंबर और बफेलो की भी आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर रेट चार्ट वो चेंजेज हो जाएंगे अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप सीधा कलेक्शन में जाइए, कलेक्शन में जाके वन अब आप एंटर करेंगे, जैसे ये आपका रेट चार्ट आ गया आपके पेन ड्राइव के रेट चार्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए, 300 एंटर करेंगे, ये आपका स्लिप बाहर आ जाएगा। और सपोज कीजिए आप पेन ड्राइव में रेट चार्ट कॉपी करना चाहते हैं तो आपको मेन्यू में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, शिफ्ट रिपोर्ट में जाना है, वन नंबर ये और डेट ऑटोमेटिकली उठा लेगा, या आप बैक डेट की भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस कर रहा है, आपकी जो इसके अंदर फाइल है शिफ्ट रिपोर्ट की वो उसमें कॉपी हो जाएगी। अब इस पेन ड्राइव के अंदर वो आ चुकी है, आप कंप्यूटर में लैपटॉप में आप किसी में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी मैंने लैपटॉप में अपने में लगा दिया है, वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ एक बार कि पेन ड्राइव में रेट क्या आएगा, आपका जो शिफ्ट रिपोर्ट है वो क्या आएगी। ये देखिए अभी हमारी पेन ड्राइव में फाइल आ गई है, ये वाली जो फाइल है ये कॉपी होके आई है, E020920 ये इस फाइल का नेम आएगा। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी, ये हमारा डाटा आ गया इसमें, मतलब आप देख सकते हैं ये जो हमने दो कलेक्शन किए थे दो कलेक्शन यहाँ पे आ गए। इसमें आप कुछ भी आप बोलेंगे तो हम चेंज भी करके देंगे आपको, ये कस्टमाइज हो सकता है आपका, जो आउटपुट डाटा होगा फॉर्मेट होगा वो सब आपका कस्टमाइज हो जाएगा, टेक्स्ट फाइल या एक्सेल की फाइल जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपके सॉफ्टवेयर चेंजेज हो जाएंगे।